फ्रेंड्स, अभी मैंने रिसेंटली TCS की इंटर्नशिप का वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स किया था, 10K+ व्यूज़ आ रहे हैं और अभी विद इन 15 डेज मेरा मोर देन 15,000 व्यूज़ बढ़ गए चैनल पे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेनिफिट दे रही है, उसके लिए थैंक यू। आज मैं फिर से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। अगर आप एक BTech के स्टूडेंट हो या MBA के स्टूडेंट हो या CA के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप सभी के लिए है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड हो रही है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम योगेंद्र कुमार सा। आज के वीडियो में सभी के लिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप लेके आया हूँ। मैं आपको ऑफिशियल फॉर्म आपको फिल करके बताने वाला हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म का और एक क्वेश्चन को आंसर देना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर सीधे वेबसाइट पर चले जाओगे करियर्स वाले पेज पर। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ठीक लगती है और आप लगते कब एलिजिबल हो सकते हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर देना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइनिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अगर आपको 1-to-1 कंसल्टिंग नीड और मेंटरशिप चाहिए इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो। मिनिमम 40 पे आपको मैं काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, अब चलते सीधे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहीं से पूरा प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं। हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे TSDPL के वेबसाइट पर, जो कि टाटा स्किल डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनी है, सबसे पहले इंटर्नशिप के फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे आपको करियर सक्सेस में इंटर्नशिप का फॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा ये फॉर्म की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, तो एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एलिजिबिलिटी से, तो BTech और BE के स्टूडेंट्स मस्ट कम्प्लीट इन द 6th semester, यानी आपके 4 ईयर की डिग्री में 3rd year आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप अभी करंटली 4th year में हो तो आप एलिजिबल हो, यानी 7 semester से। MBA स्टूडेंट की बात करें तो उन लोग का 2 semester यानी 1 year ख़त्म होना चाहिए, मतलब वो फाइनल ईयर में होने चाहिए। 2 साल का MBA हो तो 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। CA स्टूडेंट्स की बात करो तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पोस्ट सबमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रूवल लेटर, तो वो आप CA स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आना चाहिए, सेकंड नंबर पे आपका मिडिल नेम और थर्ड नंबर पे लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम पर अगर मैं मेरे एग्जांपल दूँ तो मेरा नाम शुभम है, शुभम, मिडिल नेम योगेंद्र कुमार और लास्ट नेम में सा, तो यानी शुभम योगेंद्र कुमार सा, ऐसा आना चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो करंट का आपका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा, सिटी, स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट यहाँ पे दिया है, वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। और पिन कोड मस्ट है, तो आप केयरफुल रहना। परमानेंट एड्रेस की बात करें, अगर आप अभी आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम ऐसा वो क्लिक कर सकते हो, अगर डिफरेंट हो आपका होम टाउन डिफरेंट हो आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आपको देना होगा। जेंडर की बात करें तो वो आपको मेल, फीमेल या अदर आपका फिल करना होगा। कैटेगरी की बात करें तो आप, मैं जनरल में, तो मैं जनरल क्लिक करूँगा। अगर आप SC में हो या ST में हो या OBC में या अदर्स में हो तो आप आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज को आप सिलेक्ट कर देना, बट मेक श्योर कि आप सही से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आपको यहाँ पे जो आपका हो आपको करना चाहिए, सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स हो, सेपरेटेड या विडो, जो आपका आए वो। तो ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट है मेरे ऑडियंस, तो अगर आप मेजोरिटी का आपका सिंगल हो सकता है या मैरिड भी हो सकते हैं, बट जो आपका अकॉर्डिंगली हो आप जाके फिल कर सकते हो। ईमेल एड्रेस की बात करो तो वो ईमेल एड्रेस देना जो आप एक्टिव इनबॉक्स चेक करते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो आपको डायरेक्ट इनबॉक्स में आएगी। तो आप मेक श्योर करना कि नॉट ओनली फॉर दिस कंपनी, आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करो तो आप ये बात का ध्यान रखना कि आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर सही हो, क्योंकि मेरे टाइम रिक्रूटर्स, मतलब जो हमारे रिस्पेक्टेड HRs होते हैं, वो भी डायरेक्टली कॉल करते हैं अगर उनको प्रोफाइल स्क्रीनिंग के टाइम पर ठीक लगा तो। एप्लीकेशन की बात करें तो मेन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, अब तक हमने पर्सनल डिटेल सब कुछ फिल किए। अब एप्लीकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपका आएगा 10th यानी SSC वाला, बाद में 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर। तो मैं मान रहा हूँ कि आपका 10th और 12th दोनों क्लियर है, आप अभी करंटली ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आप वो करना। सबसे पहले बात करें तो इंस्टीट्यूट, मतलब आपने जो भी स्कूल से 10th या 12th किया है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट 12th में मतलब इंटर कॉलेज में होते तो आप अकॉर्डिंगली अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिख सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, एग्रीगेट मार्क्स एंड सब्जेक्ट, तो 10th में आपके जो भी सब्जेक्ट हो लिखना, अगर 12th में हो तो अगर PCM हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या PCB यानी
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो जो भी आपको वॉकआउट इंग्लिश आप देख सकते हो। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप अपना अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है, प्रोजेक्ट किया है रिस्पेक्टिव डोमेन में, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। प्रीफर्ड लोकेशन, ये लोकेशन आपके उनके लिए है जो पर्टिकुलर कोई एरिया में जॉब करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल बहुत लोग पुणे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मतलब ऐसे उनका नियर बाई या उनका एक ड्रीम होता है कि वो ही लोकेशन पर वर्क करें, तो आप यहाँ पर रख सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑथराइज लेटर, तो ये आपको आपका आप करना होगा। CV जो आपका मस्ट होगा यहाँ पे, अगर आपका ATS फ्रेंडली रिज्यूम है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ATS यूज़ करती है। अगर आपको किसी ने रेफर किया तो आप यहाँ पे उनका नेम लिख सकते हो। अगर आपको ATS रिज्यूम बनवाना हो तो मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ जाकर प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करना। अदर डिटेल्स की बात करूँ तो आपको कुछ भी हेल्प, अगर आपका एडिशनल आपका कुछ अचीवमेंट हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे कैप्चा कर देना। यहाँ पर अदर डिटेल आप अपना चाहो तो कवर लेटर भी सबमिट कर सकते हो, और यहाँ पे आप अगर कुछ फॉर्म में गलती हो तो आप यहाँ पे रिसेट कर सकते हो या यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर देना। गाइस काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आई है, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। मैं डायरेक्ट फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार बेनिफिट जरूर ले लेना। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए मैं हार्डवर्क करता रहूँ और आपको आपके करियर पाथ में आपको सक्सेस मिले, वो मैं पूरा ट्राई करूँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।